जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मंदिर में भगवान का दर्शन करने के बाद बाहर सीढ़ी में क्यों बैठा जाता है और सीढ़ी पर बैठकर क्या बोलना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब होगा, मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर सीढ़ी या चबूतरे पर बैठना, क्या आप इसका कारण जानते हैं? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों आजकल के लोग मंदिर के सामने बैठकर अपने घर, व्यापार और राजनीति के विषय में बैठकर चर्चा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह विशेष परंपरा एक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर के बाहर बैठकर एक श्लोक बोलना चाहिए, जो श्लोक आजकल के लोग भूल चुके हैं। इसलिए यदि आप इस वीडियो में कही गई बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो इस श्लोक का मनन करें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। श्लोक इस प्रकार है, अनायसेन मरणम विनः देन्येन जीवनम देहांत तवम सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ होगा, अनाशय बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, हम कभी बीमार होकर बिस्तर में ना पड़े, कष्टों को भोगते हुए हम मृत्यु को प्राप्त ना हो और चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं, दूसरों के अधीन हमारा जीवन ना हो, कभी किसी के सहारे जीवन ना बिताना पड़े। जिस तरह लकवा हो जाने पर मनुष्य दूसरे व्यक्तियों पर आश्रित हो जाता है, उस तरह हम दूसरे लोगों पर आश्रित ना हो। परमात्मा की कृपा से बिना दूसरों के मदद से ही हमारा जीवन बसर हो सके और जब भी मृत्यु हो हम भगवान के सम्मुख हों। जिस तरह भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने जाकर खड़े हो गए, अर्थात भगवान कृष्ण के दर्शन करते हुए भीष्म पितामह के प्राण निकल गए, हे परमेश्वर इसी तरह का वरदान हमें भी देना। इसी तरह भगवान से प्रार्थना करते हुए बताए गए श्लोक का पाठ करें। गाड़ी, बंगला, पुत्र पुत्री, धन इत्यादि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि आपकी पात्रता को देखते हुए ये सभी चीज़ें भगवान आपको स्वयं देते हैं। इसीलिए भगवान का दर्शन करने के बाद यह प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। दोस्तों यह प्रार्थना कोई याचना नहीं, याचना तो सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन या फिर अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है। प्रार्थना शब्द में प्रा का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट, एवं अर्थना का अर्थ होता है निवेदन, तो प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। दोस्तों मंदिर में भगवान का दर्शन हमेशा खुली आंखों से करना चाहिए, परंतु आपने देखे होंगे कुछ लोग मंदिर के सामने आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। लेकिन आंखें बंद क्यों करना, हम तो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद ले, अपने आँखों में भगवान के स्वरूप को भर ले। दर्शन के बाद जब मंदिर के सामने बैठें तब आंखें बंद कर लें और जो दर्शन किया है उस भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर के बाहर बैठकर स्वयं की आत्मा का ध्यान करें और यदि उस समय आपके आत्मा में भगवान ना दिखे तो दोबारा मंदिर में जाएं और पुनः भगवान का दर्शन करें। दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि आखिर भगवान के दर्शन के बाद हमें मंदिर के सामने क्यों बैठना चाहिए एवं बाहर बैठकर क्या बोलना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल में नए हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।